हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इन्फोसिस की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट देने वाला हूं। तो बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 15 मई को, तो कौन से एग्ज़ाम होंगे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सिस्टम इंजीनियर रोल पे, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल पे, तो सब चीज़ के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और 24 अप्रैल का जिनका भी DSC और SP रोल के लिए दोस्तों उनका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो क्या उसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो गया, तो सब चीज़ के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफी ज्यादा मेंबर वहां पे ऐड होते जा रहे हैं, जिसे दोस्तों आप अपनी क्वेरी को जाकर के रिजॉल्व भी कर सकते हैं वहां पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले दोस्तों अगर आपने कंपनी की हायरिंग में अप्लाई नहीं किया तो जाकर के जरूर अप्लाई करेगा। काफी ज्यादा दोस्तों कंपनी की हायरिंग में आपको बताता रहता हूं, जिसमें दोस्तों आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, तो आप जाकर के अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पे काफी चीजें हैं, आपको वन बाय वन समझाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इंफोसिस ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इंफोसिस रिक्रूटमेंट प्रोग्राम गाइडलाइंस एंड सैंपल पेपर फॉर ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को कुछ इस तरीके से मेल देखने को मिला होगा। अब जैसे कि दोस्तों यहां पर अगर आपने सर्वे फॉर्म भरा होगा, तो दोस्तों यहां पर इंफोसिस के बहुत सारे जो एग्जाम के मेल थे वो नहीं आए थे, जिसकी वजह से दोस्तों इंफोसिस ने सर्वे फॉर्म भेजा था। और उस सर्वे फॉर्म को अगर आपने फिल किया होगा तो दोस्तों यहां पे आपको शॉर्टलिस्टेड का मेल देखने को मिलेगा इंफोसिस कंपनी की तरफ से। अब दोस्तों क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो टेस्ट था, मान लीजिए अगर उनका 1 बजे टेस्ट है, तो दोस्तों जो टेस्ट लिंक है वो काफी लेट आई थी, जिसकी वजह से दोस्तों उन लोगों का जो है रिशेड्यूल भी हुआ है। और बहुत सारे लोगों को दोस्तों ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल पे दोस्तों यहां पे कांग्रेचुलेशन, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल हायरिंग अंडर इंफोसिस रिक्रूटमेंट प्रोग्राम 21 एंड 22 द फर्स्ट राउंड ऑफ दिस प्रोग्रामिंग इन्फोसिस ऑनलाइन टेस्ट। आप देख सकते हैं 100 मिनट है, जिसमें कि दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी है, टेक्निकल एबिलिटी है, वर्बल एबिलिटी है और न्यूमेरिकल पजल एबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल के लिए है और सिस्टम इंजीनियर रोल पे है। और इन दोनों का दोस्तों एग्जाम जो है वो 15 मई को होने वाला है। ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पे संडे है, संडे को ही दोस्तों मैक्सिमम ये चांसेस होते हैं कि इन्फोसिस के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों और ज्यादा जो अपडेट है 24 अप्रैल एग्जाम रिजल्ट के बारे में, तो दोस्तों यहां पे जो 24 अप्रैल का जो एग्जाम का रिजल्ट है वो दोस्तों आउट हुआ है। ज्यादा नहीं दोस्तों, बहुत ही कम लोगों का अभी रिजल्ट आया है। तो 24 अप्रैल का जिनका भी DSC और SP रोल पे दोस्तों यहां पे उन्होंने दिया था एग्जाम्स, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि टोटल 3 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन में उनका पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट है, तीसरा नहीं हुआ। तो दोस्तों उस रोल पे जो है यहां पे बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन का मेल आया है, लाइक यू डिड नॉट क्वालिफाई दिस एग्जाम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रिजेक्शन का मेल देखने को मिला है। और बहुत सारे लोगों को दोस्तों फर्दर प्रोसेस का मेल आया है, लाइक यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, तो इंटरव्यू का भी मेल आया है, रिजेक्शन का भी मेल आया है। तो दोस्तों ये जो 24 अप्रैल का जो रिजल्ट है वो DSC और SP रोल के लिए, दोस्तों इसको और भी ज्यादा मैं अपडेट करूंगा, लाइक बहुत लोगों को जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो किस तरीके से कट ऑफ क्राइटेरिया है जिसमें इंफोसिस कस्ट किया है, तो वो चीजें मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा चैनल पे। और ये दोस्तों 3 बहुत बड़े अपडेट है, जिसमें कि 15 मई को जो है एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इंफोसिस का सिस्टम इंजीनियर रोल और ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल पे, और 24 अप्रैल का जो एग्जाम रिजल्ट है वो भी दोस्तों अनाउंस हो चुका है, बट दोस्तों काफी लोगों को नहीं आया, तो वो भी मैं आपको बाद में चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा जब सबको रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जो नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जरूर ज्वाइन करिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।